बिना मतलब के बात को मतलब बना रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आज की तारीख में दिल्ली है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। तो बड़ा राज्य है, तो इतना बड़ा राज्य में एक दो घटना होना तो स्वाभाविक बात है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, किसी को कुछ बोलने के पहले वहां से अप्रूव करवाइए। बताया कि पहले हम मजबूत होंगे तभी ना हम कोई गठबंधन में शामिल करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी सुनिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो चले गए। तो जो चले गए वो चले, तो पहले अपना न देख ले तब दुनिया का देखें। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। आपकी पार्टी से भी कुछ बोला जा रहा है, क्या स्टैंड? कोई मतलब नहीं है इसका, बिना मतलब के बात को मतलब बना रहे हैं, कोई उसका मतलब नहीं है। आज तेजस्वी जी ने बहुत साफ साफ शब्दों में बता दिया, उनका बयान सुन लीजिए। लॉ एंड ऑर्डर का इशू है बिहार का लगातार, कहाँ का लॉ एंड ऑर्डर इशू है? दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कोई जानकारी है आपको? क्या जानकारी है दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के बारे में? सबसे वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर अगर कहीं है तो आज की तारीख में दिल्ली है, जो सीधे गृह मंत्रालय के अधीन है। बिहार में एक वो कोई दुगो घटना अगर हो जाएगी तो इतने बड़ा राज्य है, तो इतने बड़ा राज्य में एक दो घटना होना तो स्वाभाविक बात है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त है। बिहार के एक लोक गायिका है, बहुत चर्चित है मुख्य मैच की, नेहा सिंह राठौर, वो कुछ अपने बातों से यूपी सरकार को कुछ कहना चाह रही थी, उसको लेकर उनको नोटिस जारी किया गया है, आप किस रूप में देखते हैं क्या लोक कलाकारों को अपनी बात? देखिए, लोक कलाकारों को या किसी को बोलने की तो आजादी है ना। हम ये मानते हैं कि जो अभी जो भारत की सरकार है, केंद्र की जो सरकार है, 1975 का भी आपातकाल हम लोगों ने देखा है, वह घोषित आपातकाल था, और आज का जो आपातकाल है वो अघोषित आपातकाल है, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक और उससे ज्यादा पाबंदियां हैं। कोई भी कुछ बोल नहीं सकता है, किसी को कुछ बोलने के पहले वहां से अप्रूव करवाइए। तो अप्रूव अगर नहीं होगा तो नहीं, और अगर आप बोल दीजिएगा तो आप देशद्रोही साबित हो जाएगा। जिन लोगों को आजादी से कोई मतलब नहीं है, नहीं रहा है, वो आजादी का इतिहास बदल रहे हैं। तो ये सब काम हो रहा है इस देश में, और पूरे जो भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र चलाया जा रहा है। उन संस्थाओं के माध्यम से लोकतंत्र नहीं चलता है, लोकतंत्र में लोक की आजादी होती है। 2024 के चुनाव में विधानसभा का जो झारखंड का होगा, तो जदयू क्या महागठबंधन में शामिल होगी? अरे भाई, अभी तो हमने आपको बताया कि पहले हम मजबूत होंगे तभी ना हम कोई गठबंधन में शामिल करेंगे। अभी तो हम अपनी पार्टी को मजबूत करने पर विचार करेंगे। सर, नीतीश जी ने कहा कि कांग्रेस जल्दी करे अब, क्योंकि विपक्षी क्या लगता है कि अब देर हो रहा है, क्योंकि समय है नहीं? नीतीश जी ने कहा है कांग्रेस को, और नीतीश जी जब दिल्ली गए थे तो उन्होंने राहुल गांधी जी से भी मुलाकात की थी और सोनिया गांधी जी से भी मुलाकात की, और दोनों को उन्होंने आग्रह किया था कि आप बड़े दल हैं, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, तो आप पहल करिए और सभी लोगों को बैठाइए। उस बात को उन्होंने कहा है, आज तक उनकी तरफ से कोई कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहल नहीं हुआ है। इसलिए इस बार भी माले का जो सम्मेलन था, उस सम्मेलन में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो नेता आए थे सलमान खुर्शीद साहब, उनसे उन्होंने आग्रह किया कि भाई इस पर कांग्रेस जल्दी करे, जल्दी निर्णय। सर, कल उपेंद्र कुशवाहा जी ने तीसरी कसम खाई है, कहा है उपेंद्र कुशवाहा जी सुनिए ना, उपेंद्र कुशवाहा जी का बात छोड़ दीजिए, इसलिए कि वो अब हमारे साथ नहीं है, वो चले गए। तो जो चले गए वो चले गए, लेकिन उनका कहना आज भी अस्तर का एक सवाल छोड़कर गए। सर, कल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का कोई चुनौती नहीं है, आप लोगों में 8 उम्मीदवार पीएम के खड़े हो। अरे ये तो उपेंद्र कुशवाहा जी भी कई पार्टी कई बार बदल चुके हैं, और उनका उम्मीदवार जितना उम्मीदवार वो खड़ा किए थे 2015 के 2020 के विधानसभा के चुनाव में, कह दो उम्मीदवार उनका जीता था।
कहे गए उम्मीदवार बिहार में जीता था तो पहले अपना न देख ले वो, तब दुनिया का देखे। 2024 में देश भाजपा मुक्त होगा। यह मान के चले सर, जदयू का भी दरवाजा उपेंद्र कुशवाहा बंद हो गया, जदयू का स्कोप है? अरे काहे का स्कोप रहेगा, वो तो अंतिम बार आए थे, पिछली बार जब ज्वाइन किए थे पार्टी के अंदर एक भी नेता, छोटा हो या बड़ा, एक भी नेता इस पक्ष में नहीं था कि उपेंद्र कुशवाहा जी को वापस लिया जाए।